गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड चैलेंजेस। सो गाइस आज की वीडियो कोई चैलेंज वीडियो नहीं होने वाली है। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम फ्रोजन मोमोज। सो आपको भी बताऊंगी कि कैसे लगे मुझे। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ दीज माउथ वाटरिंग प्रसूमा मोमोज। सो ये फ्रोजन मोमोज हैं, इनको स्टीम करके बनाना होता है और मैंने ये लिया है वेजिटेबल्स वाले। इसमें बहुत सारे वेरियंट आपको मिल जाएंगे बट सारे नॉनवेज हैं, बट मैंने ये वेजिटेरियन वाला लिया है बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। सो इसके आगे आपको मिल जाएगा ये सब, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसके बैक साइड पे मिलेगी। आपको इसको कैसे बनाना है, अगर आप स्टीम करके बनाना चाह रहे हैं, माइक्रोवेव करना है, पैन फ्राई करना है, तो सारी प्रोसेस आपको पीछे दी गई है। एंड मैंने ये बड़े वाला पैकेट मंगाया है, इसमें 10 पीस वाला भी आता है। मैंने ये 24 पीसेस वाला मंगाया है एंड इट कॉस्ट 270 आई थिंक, यस 270। सो अभी ट्राई करके देखते हैं। मैं ट्राई करने वाली हूँ स्टीम मोमोज। सो मैंने ये स्टीम करके रख लिए हैं और इसके साथ आपको जो सॉस है इसके इसी के पैकेट के अंदर मिलती है। सो ये रही, अभी खा के देखते हैं कि कैसा है, बिकॉज लॉकडाउन में हम बाहर का नहीं खा सकते हैं तो ऐसे तो मंगा के खा ही सकते हैं। इसका जो रैप है बहुत ही थिन है और विद इन 5 मिनट्स में ये स्टीम हो गए थे अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। इट्स लिटिल बिट जूसी और इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स मिल रही हैं। कैरेट है इसमें, कैबेज, पनीर आपको मिल रहा है एंड काफ़ी जूसी है। नाइस, अगर मैं इसके सॉस की बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, केचप ज़्यादा मिला हुआ है इसमें, बट नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर दिस पैंडेमिक। मैं वेजिटेरियन तो मैंने वेज मोमोज मंगाए हैं। अगर आप लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो आप लोग नॉन वेज ट्राई कर सकते हैं। इन मोमोज का परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एंड या इट टेस्ट सो अमेजिंग।
दीज आर सो जूसी। वेजेस भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है कुछ भी, ऑलमोस्ट एक्सपीरियंसेस। सो गाइज़, ये जो मोमोज़ हैं वो आप किसी भी स्टाइल से बना सकते हैं। मैंने इसको हीट करके बनाया था, विद इन 5 मिनट्स में ये रेडी हो गए थे। तो गाइज़ अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मेंशन क्या क्या है इसके रैपर पे। सो इसमें लिखा हुआ है कि मेड फ्रॉम फ्रेश एंड हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स। इसके इंग्रीडियंट्स है कैबेज, रिफाइंड वीट फ्लावर, अनियन, पनीर, ऑयल, कैरेट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, फ्लेवर एनहांसर, एसिडिटी रेगुलेटर। सो ये सब आपको इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले हैं इसमें। एंड इसकी सेल्फ लाइफ है 9 मंथ्स, तो ये 9 मंथ्स तक चलते हैं। माई एक्सपीरियंस विद दीज माउथ वाटरिंग मोमोज आर वेरी नाइस एंड या ओवरऑल अच्छा था, नॉट वेरी ग्रेट, बट अभी जैसे हम अभी घर में हैं तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। सो ये वेजिटेबल मोमोज बेस्ट है, आप और भी ट्राई कर सकते हैं इसके अलग अलग वेरिएंट्स। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।